पुष्पांजलि भी समर्पित करें। देखिए, जैसे हमारे प्रदेश के शिक्षा के अध्यक्ष मोहनलाल गहरा जी ने बात कही, उसमें इन्होंने अभी दो शब्द बोले, 63वां और दूसरा कौन सा दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस। अब ये जो शब्द है ना महापरिनिर्वाण, ये किसके साथ लगता है? ये लगता है जो धरती पे अत्यंत विद्वान और मानव समूह को कोई रास्ता दिखा के जाता हो, उसके लिए महापरिनिर्वाण शब्द होता है। निर्वाण यहाँ से प्रस्थान, ये सारे शब्द जो है शरीर के अंत के ही हैं। हम किसी को कह देंगे आज पुण्यतिथि है, किसी को हम कह सकते हैं कि आज उनकी बरसी है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए ये सब शब्द नहीं कह सकते। उन्होंने मानव जाति को एक रास्ता दिखाया, और एक ऐसा रास्ता जिससे हमारे समाज में एक दबे पिछड़े, उनको बहुत जिनके साथ अत्याचार हुए समय के साथ, उनकी आवाज़ को एक सशक्त आवाज़ दी। और जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आज भी कहते हैं कि शरीर का हर अंग स्वस्थ होना चाहिए, पता चले एक हाथ हमारा बहुत बलिष्ठ है, एक हाथ हमारा कमज़ोर है, उठ नहीं पा रहा है, तो फिर तो शरीर साथ नहीं, अच्छे शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। तो वो भी आज जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सोच में हमारे देश के बहुत मनीषियों की बातें हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो छाप है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, उन्होंने एक जगह कहीं विदेशों में बोलते हुए कहा था कि दुनिया ने मार्टिन लूथर किंग की उपमा देनी शुरू की। आप जिस दिन हमारे भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को पढ़ना और समझना शुरू कर दोगे, फिर दुनिया से आतंकवाद जैसी चीजें खत्म हो सकती। बैलेंस होना चाहिए संसार, और उस बैलेंस की पहली जो इस भारत भूमि पे आवाज उठाई वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। आवाज देखो, ये कितना सुंदर दृश्य है, इस देश के कितने लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ वोट के लिए प्रयोग करने का काम किया। ये ध्यान नहीं आया बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे, वो स्थान कैसा है, दर्शनीय स्थल होना चाहिए, वहां लोग आए तो उनको पता चलना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा, मोदी जी ने सोचा, बीजेपी ने सोचा। जहां पे उनकी शिक्षा हुई उस जगह को अब लोग आएंगे, दुनिया में जब हम उनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा समरसता का मसीहा बोल रहे हैं, शोषित लोगों के एक ऐसे मसीहा जिनकी गणना आज वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, तो अब जहाँ पढ़े हैं, जहाँ जन्म लिए, जहाँ उनकी दीक्षा हुई, उस जगह तो लोग जाएंगे, तो जाएंगे तो क्या देखते। तो मोदी जी ने उन जगहों को देखने लायक बना दिया। आप सब जानते हैं पंचतीर्थ क्या है, लेकिन पंचतीर्थ के बाद छठा तीर्थ भी बन गया ही मेरिडियन के पीछे, बाबा साहब भीमराव का स्टडी सेंटर। आज दिल्ली में सबसे अच्छा कार्यक्रम की स्थली बाबा भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना हुआ है कि नहीं बना? बिल्कुल बना है। 125 लोगों का अलग, 800 लोगों का अलग। वहाँ जाइए तो जो भी नमन करने के लिए खड़ा होता है तो बाबा साहब के जूते में भर आता है। बात यह है कि जो उनकी
जो उनकी शख्सियत थी, अब जा करके उसके हिसाब से उनका इतिहास लिखा जा रहा है, सम्मान मिल रहा है। और ये 6DDU मार्ग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पुष्पार्पण हो रहा है, ये अब वो लोग क्या बोलेंगे जिन लोगों ने एक साजिश के तहत भाजपा को और बाबा साहब को अलग कर दिया, क्या बोलेंगे? क्यों जवाब है उनके पास जी? तो ये बहुत अच्छा समय आया है, हम लोगों को अपने अपने लेवल पे हर जगह इन बातों को पहुंचाना चाहिए कि हम भारत की सारी शक्तियों को, भारत रूपी जो एक भारत माता के हर पक्ष को मजबूत करना है, तभी जाकर के हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा कर सकते। तो आज के दिन आप सब लोग आए हो, आपको बहुत धन्यवाद। आजकल तो मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ बाबा साहब पे, और जैसे जैसे स्टडी कर रहा हूँ मुझे राहुल गांधी कुंभकर्ण दिखाई दे रहे हैं। छप्पन से लेकर के जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और जब तक कांग्रेस की सरकार रही, NDA के अंदर हमारी सरकार आई, उस कार्यकाल के अंदर बाबा साहब को इन्होंने दिल्ली में जमीन नहीं दी। परिनिर्वाण हुआ तो महाराष्ट्र में लेके गए उनको, यहाँ जमीन नहीं दी। नेहरू को मिल सकती है, सबको मिल सकती है, लेकिन बाबा साहब को नहीं, दलित पीड़ित शोषित परिवार को नहीं दी इन्होंने जगह, महाराष्ट्र ले जाना पड़ा। इस कहानी को, स्टडी को मैंने बहुत पढ़ी, और मैं अभी पिछले 2 साल पहले ये बात कही थी, गुजरात का जब चुनाव हो रहा था तब मैंने इस बात को रखा था। अब कोई सोच सकता है, अब जिसको आप बताइए, जिन्होंने बात कही कि जिन्होंने हमारे देश का स्वतंत्रता का संविधान लिखा, उनके शरीर के अंत होने के बाद दिल्ली में 10 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, और जबकि इसी दिल्ली में बाबा साहब के पहले भी जब गांधी जी का शरीर अंत हुआ, तो आज भी हम राजघाट देखते ही हैं। और उसके बाद भी जब जब चाहे नेहरू जी का शरीर अंत हुआ हो, किसी का, तो इन लोगों के लिए 6-6 एकड़ 8-8 एकड़ का लैंड रहा। अब आज किसी को खाली समझा कहिए कि क्या बाबा साहब संविधान लिखने वाले के लिए उनके अंतिम क्रिया के लिए जमीन नहीं दी गई? यहाँ से उनको मुंबई भेजा गया, और जब वो जिंदा भी थे तो जो संविधान लिखे थे, अब तो कानून बन गया था, तो उनको तो उस समय जो संविधान ही लिखा है उसको तो या तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, या तो प्रधानमंत्री के समकक्ष कुछ बनना चाहिए था, तो उनको विधि मंत्री बना के दे रहे। जो संविधान ही बनाया वो विधि मंत्री बना के उसको क्या करोगे? और उसकी पीड़ा को बाबा साहब ने लिखा है, संसद में बोला है, लेकिन अब देखो चालाकियां कैसी रही हैं कि जिन लोगों ने बाबा साहब को जिंदा रहते भी तकलीफ दिया, चुनाव भी हराया, शरीर अंत होने के बाद जमीन भी नहीं दिया, और जितने हमारे बाबा साहब के फॉलोअर उस समय तक थे, वो सब लोगों की को वो अपने झांसे में लेके उनके प्रिय भी बने रहे, हितैषी बनने का नाटक करते रहे। तो इन सारी चीजों को हम ऐसे दिन पे हम लोगों को लोगों में फैलाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करके जन जागरण करने का ही काम किया था। बेशक बाबा साहब को चुनाव में नेहरू जी ने हरा दिया था, लेकिन आज बाबा साहब जीते हैं और ऐसा विजय हुए हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।